सबका ये मशवरा था कि भाई अब शाह भाई की मुलाकातें बंद कर दी जाएं, क्योंकि दिल दुखा हुआ तो उनसे भी हम अजंता न्यूज की तरफ से माफी मांगते और जुनेद भाई की तरफ से हम माफी मांगते। तो ऐसी जो प्रोफेसर जुनेद साहब ने अपना शाह भाई का तो कभी कोई पल ऐसा जाता ही नहीं था कि वो इबादत में ना रहे, बस दो चार मिनट को पूरा देखना चाहिए, आपने मिस नहीं करना चाहिए और पूरा देखिए, बाद आपने कमेंट लिखना चाहिए क्या है जुनेद भाई के बारे में, क्या राय आपकी और अय्यूब भाई के बारे में क्या राय है, ये पूरा वीडियो देखे बाद आपको समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, आज हम बात करने वाले जुनेद भाई के बारे में अय्यूब भाई से। अय्यूब भाई की क्या राय है जुनेद भाई के बारे में? तो ये जुनेद भाई वो है जो आफिया किड स्कूल के ऑनर है और शिहाब भाई को 4 महीने 10 दिन जो आफिया किड स्कूल में जो खिदमत किए थे, तो उन्हीं के बारे में हम जानकारी देने वाले आपको जुनेद भाई के बारे में। तो अय्यूब भाई का क्या कहना है जुनेद भाई के बारे में? और ये एक बात ध्यान में रखना चाहिए आपको, या जुनेद भाई या अय्यूब भाई शिहाब भाई के टीम के कोई मेंबर नहीं है, सिर्फ एक खिदमत गुजार है जो खिदमत की है उन्होंने। अय्यूब भाई ने भी खिदमत की है और जुनेद भाई ने भी खिदमत की है, तो आप लोगों को ये बात जहन में रखना चाहिए क्योंकि शिहाब भाई के टीम के लोग अलग थे। 4 महीने 10 दिन जो जुनेद भाई ने खिदमत की है और माशाल्लाह यहाँ अय्यूब भाई के साथ मिलके जो मुनाब भाई ने खिदमत की है दिल्ली में वीजा के लिए, तो इसमें वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले। अय्यूब भाई की क्या राय है माशाल्लाह, जो जुनेद भाई के बारे में क्या है वो आपको देखना चाहिए वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अच्छा सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या नाम है तुम्हारा बेटा? अयाना। अयाना, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बच्ची है अयाना। और ये हमारे हाजी जी, छोटे हाजी जी, हाजी मोइस, हाजी मोइस। और इनका नाम हमारे दोस्त जक्की, जक्की दांत छुपा रहा था, दांत तोड़े, तो इनको तो जानते हैं अय्यूब भाई। तो माशाल्लाह अय्यूब भाई, हम जानना चाहते हैं जो माशाल्लाह जुनेद भाई ने, आपने जो माशाल्लाह जो खिदमत करे वहाँ, जुनेद भाई ने जो 4 महीने जो 10 दिन मेहनत के जो माशाल्लाह जो शिहाब भाई की खिदमत उनकी पूरी फैमिली में करी, हमने जुनेद भाई से भी इसके बारे में बात करे थे, फिर बोले जुनेद भाई ने फिर कभी इसके बारे में बात करी है, तो आप वहाँ करीब रहे, हम तो बाहर रहते थे, जितने भी यूट्यूबर है हम बाहर रहते थे पर आप अंदर रहते थे, तो आप जिस तरीके से माशाल्लाह जुनेद भाई के साथ रहे, आप सब साथ में रहे, तो आप क्या बोलना चाहिए जुनेद भाई के लिए? देखिए जुनेद भाई का जहाँ तक सवाल है शिहाब भाई को लेके, जुनेद भाई ने तो वो हक अदा कर दिया कि शायद दूसरा कोई आदमी उस तरह से उनकी खिदमत नहीं कर सकता था। उन्होंने अपना सारा काम छोड़ के अपना स्कूल भी छोड़ दिया, उधर भी बहुत कम ध्यान देते थे लेकिन ज़्यादा तादाद में वो शिहाब भाई की खिदमत में रहते थे। उन्हें क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब उठ गए हैं, अब क्या लेंगे, तो इस तरह से जुनेद भाई का हमने मामला देखा और जुनेद भाई को उनकी पूरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन अच्छा। उनकी पूरी फैमिली उन्हें सपोर्ट कर रही थी इस मामले में और अब सभी लोग अपने अपने काम को अंजाम दे रहे थे और जुनेद भाई को सिर्फ और सिर्फ शिहाब भाई की खिदमत में छोड़ा हुआ था, तो माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का शुक्र है उन्हें इतना अच्छा मौका मिला और उस मौके को उन्होंने बाखूबी निभाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत से बात है माशाल्लाह, बहुत से लोग आते थे, बहुत लोगों को जुनेद भाई ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल भी किए और मुलाकात भी कराए, सभी लोग आने वाले लोगों से सभी से मुलाकात कराए माशाल्लाह। हमने भी बहुत बार गए, हम वहाँ से चाय पानी तो पी के हमेशा हमको चाय पानी और सब आने वालों को चाय पानी पिलाए जो जुनेद भाई की, हम तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे तरफ से, अजंता न्यूज़ के जितने भी सब्सक्राइबर है उनकी तरफ से, और बहुत अच्छी खिदमत की है उसमें जुनेद भाई ने। तो बहुत से बातें जो आप कुछ बताना चाहेंगे, ये है कि वो इस बात का बड़ा ख्याल रखते थे कि बाहर कौन आया है, अगर बाहर कोई भी आए तो किसी लड़के को बोल दिया इन्हें बैठाओ, आप कहते थे उनके लिए चाय तैयार करो या खुद करवाते थे या करते थे, लेकिन वो अगर भाई सो रहे तो तब तक इन्हें चाय पिला दी जाए मिलने वाले जो आए या पानी पिलाया जाए, तो और उन्हें बाकायदा उनके लिए उन्होंने स्पेशली कुर्सियाँ खरीद के मंगाई कि भाई कुर्सियाँ बिछा दो इन्हें बैठाओ। तो प्रोफेसर जुनेद जो है वो इस मामले के उनके अंदर बहुत बड़ी इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है। अच्छा शिहाब भाई कभी नमाज में होते थे, कभी सो गए होते थे, तो इस बात का उस टाइम तक लोगों को रोकना, उनके लिए चाय पानी का पूछना, ये उनकी एक आदत बन गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी देखे माशाल्लाह। कुछ थोड़ा सा टाइम लास्ट में ऐसा आया कोरोना प्रोटोकॉल को लेके,
कुछ बच्चों का मामला था स्कूल का। हाँ, छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। तो कुछ टाइम के लिए मिलाई बंद हुई थी, उसके लिए हम सब लोग शर्मिंदा हैं, क्योंकि लेकिन वो मजबूरी थी, हमने कोई या जूनियर साहब ने कोई जानबूझ के नहीं किया था ऐसा काम। जी जी, वो तो एक थे स्कूल में ही, लेकिन मना करना पड़ा, क्योंकि अगर वीजा मिल जाए और किस कोई भी आदमी आकर मिल रहा है, कोरोना का मामला चल रहा था न्यूजों में, अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आ जाती तो श्याम भाई का तो सफर रुक जाता, तो वो श्याम भाई के भले के लिए ही था। जी जी, सबके भले के लिए था। और दूसरी बात, वहाँ पे जैसे श्याम भाई ने बताया, LKG से लेके 10th क्लास तक के बच्चे, उनका भी तो ख्याल रखना बहुत जरूरी था। तो इसलिए जुनेद साहब ने या उनकी फैमिली ने, मेनली तो जुनेद भाई ने, बहुत बाखूबी इस काम को अंजाम दिया। हम तो कहते थे कि साहब हो सकता है आफिया किड्स स्कूल इसी मकसद के लिए ही बना था वहाँ पे, कि भाई श्याम भाई आएंगे और इतना दिन रुकेंगे, ये बहुत बड़ी बात हुई है, ये अल्लाह की मसलियत है माशाल्लाह। तो जुनेद भाई जब तरन तारण में आए थे, सिर्फ जुनेद भाई ने बोले थे कि श्याम भाई से रिक्वेस्ट किए थे कि एक दिन के लिए भी, तो तकरीबन एक दिन के लिए रुको, तो अल्लाह के करम से देखिए वहाँ 4 महीने 10 दिन श्याम भाई रुके। अब अल्लाह की मर्जी थी इसमें, बस ये अल्लाह ताला की मर्जी थी, इतना वक्त लगना था, जुनेद भाई को इतने दिन खिदमत करनी थी, इसके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता, ये सब कुछ जो भी था वो अल्लाह की तरफ से था। हाँ, जुनेद भाई और सब ने उन्हें एक मौका दिया और उन्होंने उसे बाखूबी निभाया, मैं तो यही कहूँगा, अल्लाह ताला उन्हें इस बात के लिए जजाए खैर दे, आमीन। अल्लाह ताला जो है ऐसा मौका शायद ही कभी दोबारा मिले, जो ये पीछे का वक्त 4 महीने 10 दिन का जुनेद भाई का गया है, हम भी वहाँ पे रहे, पहले मैं 18-20 दिन रह के आया, उसके बाद अभी फिर 26 तारीख को चला गया था, तो 6 तारीख को वापस आया हूँ। भाई इतना खिदमत गुजार आदमी हमने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। अच्छा जुनेद भाई, सबको इस बात का पता है, और माशाल्लाह जो आपने श्याम भाई को अलविदा किए लास्ट जाके, जो 0 पॉइंट पे जाके, वो भी एक जो मंजर था वहाँ जुनेद भाई ने, माशाल्लाह वो भी देखे हमने, जो मोहब्बत कितनी थी जुनेद भाई को, जो माशाल्लाह जो जुनेद भाई की आँखें में से ऑटोमेटिक आंसू जा रहे थे, जितने भी जाने वाले थे सभी के आँखें में से आंसू जा रहे थे, वो खुशी के आंसू थे माशाल्लाह, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए 4 महीना 10 दिन जो आदमी 24 घंटे साथ रह ले, और वो भी दीन की निस्बत से, एक दीन की निस्बत से, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जुनेद भाई के आंसू में बार बार आंखों में आंसू, हम लोग भी इसी तरह थे, लेकिन उनका लगाव सबसे बहुत ज़्यादा था, क्योंकि रेगुलर वो रहे, उतने टाइम कोई उनके साथ नहीं रहा, और उन्होंने और उनकी मिसेजें वो नीचे से खाना बना के देती थी, या जुनेद भाई चाय पानी का इंतजाम खुद अपने हाथों से करते, नाश्ता वगैरह सब घर से बन के आता था, तो वो तो पूरी फैमिली का ही जुड़ाव इस कदर रहा है कि उन्होंने पूरा हक अदा किया, मतलब बयान नहीं कर सकता मैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बात साहब हमको भी पता है कि जुनेद भाई ने कितनी मेहनत करे माशाल्लाह, कितनी खिदमत करे श्याम भाई की। हम भी जब भी जाते थे, जब भी चाय पानी का हमसे भी पूछते रहते थे, चाहे कोई पूछो ना पूछो, हमको तो जरूर माशाल्लाह, जो ऐसा तो सभी को पूछे उन्होंने माशाल्लाह, हमको भी पूछे। और भाई को कुछ टाइम ऐसा था कि किसी को मिलने का मौका नहीं मिला, किसी को परमिशन नहीं थी मिलने की, ये उसमें उनकी इबादत का भी मामला था, कोरोना प्रोटोकॉल भी फॉलो करना था, तो इस वजह से कई चीजें थी, और वीजा मिलने की, सफर स्टार्ट होने की जो है बहुत ज्यादा उम्मीद जल्दी की थी, किसी तरह की कोई दिक्कत हो जाती तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती और उनके सफर में रुकावट आ जाती। पहले से इतनी रुकावट थी, इसमें सबका ये मशवरा था कि भाई अब श्याम भाई की मुलाकातें बंद कर दी जाए, क्योंकि लोग भीड़ में से, पब्लिक में से उधर आके परेड देख के आते हैं, तो पता नहीं कौन कैसा है क्या है, इस बात का ख्याल रखते हुए थोड़े से वक्त के लिए ये काम हुआ था, और बाकी तो उन्होंने पूरी तरह लोगों को मिलवाया, उनसे बातचीत करते थे, कुर्सियां बिछवाते थे, उनका बड़ा ख्याल रखते थे, तो बाखूबी उन्होंने अपने मतलब काम को अंजाम दिया। अल्लाह ताला ऐसा मौका सबको दे मैं तो ये कहूँगा, लेकिन होना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं सभी से ये बोलना चाहूँगा, कर दिया वो नहीं हो सकता, मैं सभी से ये बोलना चाहूँगा भाई, जो भी श्याम भाई जहाँ भी सफर कर रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई श्याम भाई के लिए जितनी हो सके उतनी दुआ करना चाहिए आपने, क्योंकि हमारे जो अयूब भाई दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जो माशाल्लाह हम भी बहुत बार मिले उनसे, जो
आपने देखे हम फिर मिलने मुलाकात के लिए आए, मेवात जाते आते, मैं भी था, निसार भाई भी थे, तो इसमें आपको हमने जानकारी दी है जो माशाल्लाह जुनैद भाई ने जो माशाल्लाह खिदमत की है, जो शिहाब भाई की, वो सभी को मालूम है, हर एक इंसान को मालूम है, पर ऐसे कुछ जो मोड़ थे क्या उसमें मुलाकात का मौका नहीं था तो उसमें कुछ भाई का दिल दुखा हुआ तो उनसे भी हम अजंता न्यूज़ की तरफ से माफ़ी मांगते और जुनैद भाई की तरफ से हम माफ़ी मांगते, तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, जो जो टाइम है अब अच्छा जब वीज़ा का जाने का टाइम रहा सभी को माशाल्लाह जो आपने देखे, हमने वीडियो भी अपलोड करे हुए आफिया किड स्कूल से वाघा बॉर्डर तक, कितने लोग थे साथ में चलने के लिए, है ना? देखिए जबकि किसी को पता भी नहीं था अर्जेंट में ये काम हुआ, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग साथ में हो गए, और जो लोग उम्मीद नहीं कर सकते 2 किलोमीटर चलने की भी, वो 12-14 किलोमीटर पैदल आफिया किड स्कूल से पैदल कितना खुशी खुशी गए, ये बहुत बड़ी बात है और ये शाह भाई की मोहब्बत है, तो इसीलिए मैं एक सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि साहब भाई के सफर में आने वाले परेशानियों को दूर करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें और उनके हज कबूल करने के लिए अल्लाह से दुआ करें, मेरी तो यही गुजारिश है। और जो प्रोफेसर जुनैद साहब ने अपना हक अदा किया अल्लाह ताला इसका अजर उन्हें भी दे, आमीन आमीन। तो मैंने भी देखा जब शिहाब भाई जब भी सफर करते थे माशाल्लाह तो उनके हर जबान के ऊपर जिक्र करते चलते थे, जब भी मैंने देखा माशाल्लाह तो हर टाइम जिक्र करते चलते थे। मैं राजस्थान से जुड़ा शिहाब भाई के साथ, तो मैंने देखा जब से तो जहाँ भी सफर कर रहे थे माशाल्लाह जिक्र करते सफर करे, आखिरी में भी वाघा बॉर्डर की तरफ आफिया किड स्कूल से सफर करे तो वो भी जिक्र करते माशाल्लाह, हर टाइम जिक्र करते रहते, इबादत करते थे शिहाब भाई। शिहाब भाई का तो कभी कोई पल ऐसा जाता ही नहीं था कि वो इबादत में ना रहे, बस 2-4 मिनट को खाना खाना और बाकी जब भी हमने उनसे उनकी तरफ देखा या उनसे बात करनी चाही तो उन्हें अपना जिक्र रोक के ही बीच में हमसे बात थोड़ी सी बात करते थे मुनासिब, वरना हम भी ज्यादा कोई कोशिश नहीं करते थे कि उनसे बात की जाए बहुत ज्यादा, क्योंकि वो जिक्र में रहते थे, इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी था। अल्लाह से सब दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके हर पल को कबूल करें, आमीन, और हम सब उनके साथ में रहे, अगर कोई गलती कोताही हुई हो तो उसके लिए हम भी माफी मांगते हैं, बाकी अपनी तरफ से हमने कोशिश की कि कोई ऐसा काम ना हो, ये बात है। तो बिल्कुल देखिए अय्यूब भाई से हमने बात की है, तो माशाल्लाह वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मेरे आप लोगों से आखिरी में ये बोलना चाहता हूँ, मैं शिहाब भाई जहाँ भी है तो आप लोगों ने जितनी हो सके शिहाब भाई के लिए दुआ करना चाहिए, क्या सफर उनका आसान हो, बस यही हम बोलना चाहते हैं आपसे।